हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो डाल रहा हूँ मैं। आज हमारे पास कुछ एक एयरपोर्ट्स है जो आए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो एयरपोर्ट्स है ये है रियलमी बर्ड्स एयर 3, और ये मेरे को फ्लिपकार्ट में सेल के ऊपर 3,000 मतलब 3,250 समथिंग 3200 रुपये में कुछ मेरे को मिल गया है। सो अराउंड लाइक 3000 में मेरे को मिल गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं हमें 42 डेसिबल तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, 10 mm के डायनामिक जो कि एवरेज कह सकते हैं अभी के लिए ड्राइवर्स है। 30 आवर्स कंपनी क्लेम करती है कि आपको प्लेबैक मिलता है, पता नहीं, रिव्यू भी हम इसका डालेंगे इसके ऊपर। और सबसे मेन इसका जो USP है, इट इज़ ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन, मतलब एक साथ आप अपना लैपटॉप या फोन या PC कुछ भी एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और गेमिंग मोड के लिए भी ये सुटेबल है, अगर कोई गेमिंग करना चाहता है तो इट सेज समथिंग लाइक 88 मिलीसेकंड्स ऑफ सुपर लो लेटेंसी, विच इज़ वेरी गुड आई फील। और बाकी इसके ऊपर मेंशन प्राइस किया गया 6,000, जो कि हमें पता ही होता है। एनीवेज, तो यहाँ पे हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ पे जो ये मैं ट्राई करता हूँ मेरे हाथ से ही खुल जाए। हाँ चलो खुल गया। वैसे फ्लिपकार्ट के से मैंने ओपन डिलीवरी नहीं ली थी, तो अगर आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो ओपन डिलीवरी लेनी चाहिए, जिससे अगर कुछ डिफेक्ट है तो आप एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वापस कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट। एनीवेज, मैं भी इसका वीडियो ये बना रहा हूँ ताकि सिक्योरिटी पर्पस में भी काम आए। तो चलो हम बॉक्स का ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को कहाँ से ओपन होता है ये बड़ी दिक्कत है यार। आई गेस ऐसे ओपन होता होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये जो है मैंने ब्लू कलर में मंगवाया था। सो बड़ी आयरनी की बात है कि ब्लू कलर ही आया है। I'm kidding. तो ये जो है हमारा एयरबर्ड्स है, देख सकते हो, जिसके ऊपर मस्त कपड़ा पहनाया हुआ है प्लास्टिक का। उसको हम साइड में रखते हैं, अभी नीचे रखते हैं। इसके अंदर और क्या होगा, कुछ पुस्तकें, जैसे टेक बर्नर बोलता है, तो पुस्तकें भी नहीं है, क्या बात है। अच्छा ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बर्ड्स दिए गए हमें। अगर हमारा ईयर साइज छोटा बड़ा है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर हमें वो चार्जर दिया गया हो सकता है जो है, हाँ हो सकता है, नहीं है ही। अगर आप पुस्तक के शौकीन हैं तो यहाँ आई थिंक कुछ नीचे लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है मस्त केसर की मिठाई की तरह कुछ कलर दिया गया है हमें। इस केबल का बहुत लंबा केबल है, बहुत यूजफुल होने वाला है। एनीवेज छोड़ो इसको, मेन प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। तो ये मेरे को सबसे अच्छी बात इसकी क्या लगी बताया, ये जो इसके ऊपर जो दिया गया ना, ये डिज़ाइन जो भी बोलो, पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये डायमंड की तरह कुछ लगता है। सो आई थिंक 250 रुपये तो इसके लिए होंगे, पता नहीं। और इसके अंदर देख लेते हैं कि अंदर है कि नहीं है। है चलो, अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ये भी दिए गए हैं जो होने चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डायमंड टाइप ऑफ डिज़ाइन इसके ऊपर भी, इधर भी लगाया गया है। तो ये डिटेलिंग मेरे को अच्छी लगी। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे एक LED लाइट है, और बहुत ही कॉम्पैक्ट है यार। मतलब मेरा जो पुराना वाला था ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अब तक पिट्रोन का ये यूज करता था पिट्रोन, और ये मेरे को पता नहीं बहुत अच्छा लगता है, मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लगता है। बट आई थॉट कि चलो सेल है तो अपग्रेड कर लेते हैं ताकि बेटर साउंड। और इसका जो है ना माइक खराब है, बड़ी बात यह है कि इसका माइक खराब है। और iPhone 11 के अंदर मेरे को वो 3.5 mm का जैक नहीं मिलता, और कन्वर्टर यूजफुल नहीं है इतना, तो इसीलिए आई थॉट कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बाकी का इसका रिव्यू अगर आपको चाहिए
और चाहिए ही, तो मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊंगा ये कैसा है कैसा नहीं है। तो अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता ही दो कमेंट्स के अंदर, मैं डाल ही दूंगा इसको, मतलब इसके रिव्यू को, ठीक है। एनीवेज, आपने अनबॉक्सिंग का वीडियो 6 मिनट बिगाड़ के देखा, अच्छी बात है। और अगर आप ये ले रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बाकी हम मिलते हैं बाद में। हैव अ गुड डे।